नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक सीट MLC चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शिक्षक सीट का नतीजा शाम 4 बजे और स्नातक का रात 8 बजे तक आने की संभावना है। दोनों के वोटों की गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाई गई है। प्रत्येक टेबल पर 5-5 लोग हैं। आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के कुल 12 जिलों की इन सीटों के सभी मत पत्रों की गिनती आगरा के शाहदरा स्थित मंडी परिसर में की जा रही है। देखिए, आज यहाँ MLC के जो इलेक्शन वोटिंग हुए थे 1 तारीख को, उसका आज मतगणना यहाँ है और मंडी समिति पे काउंटिंग की पूरी व्यवस्था की गई थी और हमारी पुलिस व्यवस्था जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम को तो हमने उसी दिन से सील किया हुआ था। वहाँ 3 लेयर की सिक्योरिटी थी। काउंटिंग स्थल पे भी आज सुबह 6 बजे से ही हमारी सारी व्यवस्थाएं लग गई हैं और हमने जो है कई लेयर्स में पुलिस व्यवस्था की है। जितने भी लोग हैं वो गेट से एंट्रेंस करने के बाद अपनी गाड़ियों की पार्किंग अलग कर रहे हैं और वहीं चेक करते हुए कि वो काउंटिंग एजेंट है या सरकारी कर्मचारी है, उनको 2 अलग पार्ट में बांटते हुए दोनों को अलग अलग तरीके से, अलग रास्तों से जो है उनको भिजवाया गया। चेकिंग फ्रिस्किंग पूरी तरीके से की गई है। पूरा कैंपस जो है उसको सैनिटाइज कर लिया गया था, चेक कर लिया गया था कि कोई अनवांटेड आदमी नहीं है और जो जिनके पास आई कार्ड है या जो अधिकृत हैं अंदर आने के लिए, चाहे काउंटिंग एजेंट के तौर पे या अधिकारी के तौर पे, केवल उन्हीं को अनुमति दी गई है, वो भी चेकिंग फ्रिस्किंग के साथ। और पूरी पुलिस व्यवस्था जो है 3 लेयर में यहाँ बनाई गई है। हमारे साथ PAC भी हैं, हमारे अधिकारी 2 शिफ्टों में लगे हुए हैं क्योंकि ये काउंटिंग मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 दिन से ज़्यादा लगेगी और इसलिए जो है एडिशनल SP के रैंक पे, CO के रैंक पे, थाना प्रभारी के रैंक पे, सभी रैंकों पे 2 शिफ्टों में लगी हुई हैं ताकि जो है किसी तरह की कोई अनियमितता ना हो। कब तक का समय? तो जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक चलती रहेगी, कोई टाइम फिक्स नहीं है। और शिक्षक की पहले खत्म हो जाएगी तो कुछ वोट कम है और जितना तक की और कल तक चली खत्म। कितने प्रत्याशी में जो हमारे प्रत्याशी 16 है और 22 2 सीटों के लिए? हाँ, 2 सीटों के लिए चुनाव। शिक्षक सीट के 16 और स्नातक के 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसले का रुझान दोपहर से ही आने लगेगा। मतगणना स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह पालन हो रहा है। वहीं SSP बबलू कुमार का कहना है कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पानी की बोतल से लेकर कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, चूंकि अभी कोरोना के हमारे प्रोटोकॉल्स भी चल रहे हैं और उसको भी हम लोगों ने काफ़ी फॉलो किया है। जो डिस्टेंसिंग है, जो दूरियां हैं, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया है कि दूरी बनी रहे और मास्क आदि के लिए जो है सभी को सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके पास हो। प्रशासन के द्वारा भी ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी जो प्रोटोकॉल हैं कोविड के वो भी फॉलो हों, साथ ही साथ काउंटिंग जो है शांतिपूर्ण ढंग से पूरा।